करते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने मॉस्फेट की थ्योरी डेवलप की थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि आज की क्लास में फिर हम उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं उनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ज़रा बता, प्रेजेंट कौन कौन है आज की क्लास में, अटेंडेंस लगवा लें अपनी, बताएं जल्दी से कौन कौन है प्रेजेंट। सर हुजैफा, शहजाद, उमर, मैं अपने खुद लगाए ना, हुजैफा है, हुजैफा प्रेजेंट हुजैफा कल की क्लास में भी नहीं थे। अच्छा, सर वो आंख नहीं खुली सर, मैं अलार्म लगा के भी सोया था और तुमने ईएमएस की क्लास भी नहीं ली। जी जी सर, कल नहीं यार ली तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, ऊपर से तुम और क्लासेस छोड़ रहे हो। हैं, सर, ये रमजान की वजह से प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आज मैं सर अच्छा सोया फिर ही नहीं सर। और बताए और कौन गए। हाँ सर मैं हूँ उमर। उमर, गुड़म का तुम भी दिन कल नहीं थे। उमर नहीं सर, मैं था नहीं, कल तुम नहीं थे, कल की क्लास में एबसेंट हो, मैंने सर, मैं अटेंडेंस था करवा फिर लिया। सर, बिल्कुल आखिर में बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, लेकिन आखिर में या मैं पहले की बात नहीं है, अटेंडेंस में आपकी एबसेंट लगी है, आप नहीं थे कल क्लास में। और गुलाम कादिर, सर। आप भी नहीं थे कल। सर मेरा हफ्ते से नेट ही नहीं चल रहा, मैंने सर कोई क्लास ही नहीं रहा। भाई ये तो अब तुम्हें सही करना है ना क्लासेस के लिए नेट। दूसरा ये कि आपने सर असाइनमेंट वो दिया था। नेट का इशू था सर, वो कल सही हुआ है असाइनमेंट सबमिट किया या नहीं किया। सर। नहीं किया वो सर, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है बस फिर आपके फिर मार्क्स सारे कट जाएंगे गुलाम कादिर। फौरन फौरन सर। असाइनमेंट नेट ही सबमिट करो, कोई मैं इसके ओके अलावा नहीं सर। सुनूंगा स्लेट के ऊपर, और स्लेट के अलावा कहीं एक्सेप्टेड नहीं होता असाइनमेंट। जी शहजाद, ओके यस सर। प्रेजेंट ठीक है, असाइनमेंट कर दिया तुमने। सर। यस सर, वो पासवर्ड मुझे शाम को आया था, उसी टाइम मैंने भेज दिया था स्लेट आपको पर सर। ना, यस सर, स्लेट पर। सर मेल तो वैसे 4 दिन पहले किया था मैंने, नहीं, मेल का कोई फायदा नहीं, वो डिलीट कर दी होगी, मैंने स्लेट पे ही करना है। ठीक है ठीक है, तो सर लेट नहीं लगाना इस बार। वो स्लेट खुद ही लगाता है यार। मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, स्लेट में सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, स्लेट सिस्टम जो है ना वो सर सारा आपको तो मैंने ऑटोमेटिक। 4 दिन पहले भेजा है सर, ऐसे नहीं करें। मेरे भाई, 4 दिन पहले भेजो या 4 दिन पहले भेजो, आप बात ही नहीं समझते हो। आपको मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम बदल गया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्लेट कर दिया गया है, इस्लामाबाद से ऑर्डर आया है तो और ये सर तमाम चीजें ऑटोमेटिक हो कितने गई। कटेंगे मतलब, फिर अभी देखो ये इसमें इन्होंने क्या मतलब सिस्टम इन्होंने बनाएंगे, तो अभी तो वेटेज ही डिसाइड नहीं हुआ इसका कितना है, जैसे वेटेज डिसाइड होगा। लेकिन ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं स्लेट पर, जब ही स्लेट रखा गया है। आ रही बात समझ, इसलिए तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि सही मेरे है भाई सर। कर लो कर लो कर लो, आप लोग यार सीरियस लिया करो, वरना देखो ना फिर फजूल में अपने नंबर कटवाते हो। खैर, और नेक्स्ट टाइम ही तमाम चीजें स्लेट पे होंगी, सब लोग ये जहन में रखे बात। अच्छा जी, सही है चले सर। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी पहली स्लाइड है, ये नजर आ रही है आप सबको। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखिए, इसके सवाल जो होंगे ना काफी लंबे लंबे होंगे मॉस्फेट के, तो हुजैफा जरा पढ़ो। हुजैफा, यस सर। डिजाइन द सर्किट ऑफ फिगर 5.21 दैट इज डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर डी एंड आर सी रुक सो जाओ, दैट ट्रांजिस्टर। पहले इन्होंने कहा डिजाइन द सर्किट। डिजाइन का मतलब हमेशा याद रखना पैसिव कंपोनेंट्स की वैल्यूज मालूम करना होता है। यहाँ पर पैसिव कंपोनेंट्स सिर्फ दो लगे हुए हैं, दो रेसिस्टर्स, तो इसका नहीं कि आरडी और आरएस की वैल्यू निकाली है डिजाइन का मतलब। आगे उन्होंने बता भी दिया। जी सो दैट ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट आईडी इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पीयर एंड करंट वीडी पॉइंट करंट दे दिया आपको ऊपर, फाइव ठीक वोल्ट वोल्ट द है। एनएमओएस ट्रांजिस्टर हैज वीएस कौन जीरो सा पॉइंट दा, सेवन दोबारा बोलो। एनमो सॉरी एनमॉस, एनमॉस ट्रांजिस्टर हैज वीटी 0.7 वोल्ट आगे माइक्रो एम सी कल नहीं एक्स आया था ना, ये इक्वल्स सारी टू चीजें कल पढ़ी है। जी सर माइक्रो नहीं है, म्यू है। 200
माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है. इंडक्टेंस इक्वल्स टू वन इंडक्टेंस है पागल हो गए क्या ही है सर ये एल एल क्या है सर ये तुम्हें नहीं पता एल क्या होता है यार. जब मैं छोटा था ना नाइन्थ मैट्रिक क्लास में पढ़ता था तो हमारे टीचर ने हमें एक बात बताई थी कि जब भी किसी क्वांटिटी को पहचानना तो उसकी यूनिट को देख के पहचाना करो. पता नहीं तुम लोग नाइन्थ मैट्रिक करके आए हो लेंथ सर लेंथ सॉरी तो एंड तब ये तो यार नाइन्थ मैट्रिक के बच्चों को ये बात बताई जाती है कि भाई यूनिट देखकर क्वांटिटी पहचानते हैं. आपको नहीं बताई गई आगे चले जी सर बताए एंड वेट इज इक्वल्स टू 32 नेगलेक्ट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट सेम सेम दैट लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज अज्यूम दैट लैम्डा इक्वल टू 0. ओके ये आप लोगों ने सवाल बहुत मुश्किल से इसने पढ़ाया है लेकिन बहरहाल सुन लिया होगा. तो इसमें बेसिक मकसद उन्होंने क्या बताया है कि मॉसफेट जो है उसके उसको डिजाइन करना है सर्किट को, बस ये इसका ऑब्जेक्टिव है. और देखो ये लिखा है मॉसफेट सर्किट्स एट डीसी, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेटी में हमने डीसी सर्किट्स किए थे. तो आगे चल के आपने देखा था कि जब आप एम्पलीफायर्स पढ़ते हैं तो एम्पलीफायर्स में हम कुछ हमें पहले डीसी एनालिसिस करनी पड़ती है, उससे हम बहुत सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं मॉडल के. ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही. जब हम एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे तो हमें डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी. तो डीसी एनालिसिस कैसे होगी वो ये है. तो समझ ले कि सब मॉसफेट्स एट डीसी का मतलब ये कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उन तमाम चीजों की जब आप एम्पलीफायर्स की डीसी एनालिसिस किया करेंगे. ठीक है तो ये मॉसफेट सर्किट्स एट डीसी, हम डीसी सर्किट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो यहाँ पर पहला सवाल वो ये कह रहा है कि इसको डिजाइन करो यानी आरडी और आरएस की वैल्यू निकालो. और आपको बता दिया आईडी की वैल्यू, वीडी की वैल्यू और बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज. तो कैसे करेंगे बताएं पहला स्टेप, क्योंकि इसमें पहला पहली चीज मतलब कुछ चीजें तो बहुत आसान है तो वो कैसे करेंगे, कैसे निकालें बताएं, क्या निकालें सबसे पहले. सर जी जी सर मेरे ख्याल से ये आरडी है ना वो ओम्स लॉ से निकलेगा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शहजाद वेरी गुड, निकालो भाई सही कर शहजाद वेरी गुड. वीडी मिला हुआ है बिल्कुल वेरी गुड यार जबरदस्त जबरदस्त. आज शहजाद जाग रहा है आज लगता है यस जमीनों में नहीं गया है. यस सर हां निकालो भाई निकालो आरडी निकालो सब लोग निकालो. जी कितना आ रहा है आरडी, सर 5 किलो. 5 किलो हम कह रहे हैं भाई, चेक करें आप बाकी लोग सही कह रहे हैं 5 किलो. देख लेते हैं. अच्छा कैसे किया, ओम्स लॉ लगाया आपने. ओम्स लॉ कैसे लगेगा, आरडी बराबर होगा किसके, कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है. तो कहां से आ रहा है 2.5 से, और कहां जा रहा है वीडी, वीडी भी दिया हुआ है 0.5. ठीक है और डिवाइड करेंगे हम आर डी को. ठीक है जी अब आई डी भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप आर डी निकाल लेंगे. तो 2.5 माइनस पॉइंट यानी 2, तो आर डी 2/0.4 मिली, तो 2.4.
तो 2/0.4 कितना होगा? ये 5 किलो मेरे पास ही है। यस सर, ठीक है, कैलकुलेट करके देख रहे, 5 किलो ही आ रहा होगा, फिर सही कह रहे हैं। ये आ रहा है सबका जी? बाकी लोग भी देख लें। ठीक है, अब दूसरा दूसरा करण, दूसरा करंट कह रहा हूँ, दूसरा रेसिस्टर हमें निकालना है आरएस। ठीक है, आरएस कैसे निकालेंगे इसका कोई आइडिया? चले मैं इसकी हिंट दे देता हूँ। देखिए, आरएस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वीएस चाहिए। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? आरएस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वीएस चाहिए। वीएस क्या है? यहाँ का वोल्टेज, इस जगह का वोल्टेज आपका क्या होगा? वीएस। अगर आपको ये मिल जाए तो आप दोबारा ओम्स लॉ लगाकर निकाल लेंगे। तो वीएस आप कैसे निकालेंगे, अब ये आपको आइडिया नहीं। तो अब आप एक काम करें, तो अब आपको करंट दिया हुआ है, तो करंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर हमें मोड ऑफ ऑपरेशन पहले पता करना पड़ेगा कि ये ट्रायोड में है या सैचुरेशन में। तो आपको कंडीशंस से मालूम करना है, तो याद है आपको कंडीशंस क्या थी? किसी को याद है कंडीशंस? याद है, बताओ यार जल्दी से, अगर याद है तो बता दो। हेलो, कंडीशन याद है किसी को? नहीं सर, वो भूल गए थोड़ा। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये थी, VGD is greater than और सैचुरेशन क्या थी? VGD ये मैंने लिखवाई थी, less than VGD। अब जरा आप निकालें, ये पता करें कि ये ट्रायोड में है कि सैचुरेशन में, जल्दी से मालूम करें। जी, कंडीशन निकाली आप लोगों ने? सर आप ही सॉल्व कर दें। नहीं हो रहा सैचुरेशन में तो नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है तो कैसे कर लिया आपने? क्या सॉल्व करके कह रहा है या ऐसे अंदाजे से कह रहे हो सैचुरेशन का? सर वीटी 0.7 दिया हुआ है सर। अच्छा देखो, चलो मैं कर रहा हूँ, वीजी 0 है, एग्री भाई? एग्री इस बात को? Yes, sir. और ये है VGD कितना होगा?
ये तो बहुत आसान है, क्या ये होगा माइनस जीरो पॉइंट, क्या ये होगा? एग्री? यस सर। अच्छा और वीटी कितना है? जी आप बताएं कौन बड़ा है, बीजीडी बढ़ाया है या वीटी बढ़ाया है, कौन बड़ा है? वीटी बढ़ा है, वीटी बढ़ा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? तो ये सैचुरेशन में क्या ये मैं लिख सकता हूँ? यस लिख सकता है। तो ये किसकी कंडीशन है? सैचुरेशन। दैट्स इट। शहजाद बताओ, ये तो आसान नहीं था। अच्छा आप सैचुरेशन की है तो सैचुरेशन की करंट की क्वेश्चन लिखे यहाँ पर। कल मैंने लिखवाई थी, क्या थी? मैंने कहा था हाफ, उसके बाद हमने क्या करना है, म्यू एन सी नॉट एक्स। तो म्यू एन सी नॉट एक्स को हम के प्राइम एन भी लिखते थे, याद है? के प्राइम एन लिख लेता हूँ, ये म्यू एन सी नॉट एक्स लिख लें या के प्राइम एन लिख लें की बात। उसके बाद डब्ल्यू बाई एल, कल की क्लास में मैंने करवाया था। अच्छा जिसकी क्लास ना ले हो तो कम से कम यूट्यूब पर वो वीडियो तो देख लिया करे, पता नहीं अब आप लोग देखते हैं नहीं। ये पूरे हमारे पास फॉर्मूला है, आप देखें इसमें, आप गौर से देखें। आईडी आपको गिवन है, ये तो कांस्टेंट है जाहिर है। के प्राइम एन ये क्या होता है? के प्राइम एन ये होता है म्यू एन सी नॉट एक्स, यानी 100 माइक्रो, ये भी गिवन है इसका अंदर। डब्ल्यू बाई एल भी गिवन है, डब्ल्यू बी एल भी है। अच्छा वीजीएस माइनस वीटी, वीटी भी गिवन है। VGS, VG क्या है आप बताएं? VG जीरो है, VG क्या है? जीरो है। तो VS हम निकाल लेंगे और ये VS हमें चाहिए यहाँ से। तो ये पूरी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप एक काम करें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके VGS निकालें तो VS खुद ब खुद आ जाएगा। पहले VGS निकालें, चलो सॉल्व करें जल्दी से इसको, बताएं VGS कितना आ रहा है, रखें इसमें वैल्यूज जल्दी से करें, VGS बताएं कितना आ रहा है। लेकिन अब ये जल्दी से करना है सॉल्व, बताएं वीजीएस कितना आ रहा है। हाँ जी सॉल्व किया आप लोगों ने, क्या आ रहा है? आईडी कितना है? मिली रखा हमने यहाँ पे हाफ इंटू 100 माइक्रो इंटू W by L 32 माइक्रो अपॉन 1 माइक्रो, तो 32 ही आएगा ना, इनटू VGS माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। तो ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ जाएगा, यहां पर सिर्फ ये बच जाएगा। बताएं कितना आ रहा है इस तरफ, हेलो
आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? ये सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? हाँ सर, सॉल्व हो रहा है सर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आएगा? इसको अलग अलग कर लेते हैं। और 0.7 उधर जाएगा तो 1.2 बन जाएगा। और VG हमारा 0 है तो VS हमारा आ गया -1.2 वोल्ट। ये हमारा आउटपुट आ गया VS। अब आप ओम्स लॉ लगा ले। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ID इक्वल टू कहाँ से आ रहा है? VS। कहाँ से आ रहा है? VS से। ID इक्वल टू VS कहाँ को जा रहा है? -2.5 divided by RS। क्या बन जाएगा ये? VS कितना है? और ये माइनस एस प्लस हो जाएगा 2.5। RS कितना आया बताएं जल्दी से। सर 0.52। गलत, पागल हो गए हो क्या? दिमाग जहाँ पर है, किलो में आएगा। सर 5.2 आ रहा हूँ। ये आपका रिजल्ट आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। हो गया यहाँ तक? हुज़ैफ़ा, शहज़ाद? यस सर, हो गया। यस सर, यस सर। ये आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी ये सॉल्यूशन भी है इसका, ये देखें 5 किलो ओम पहला और 3.25 किलो ओम दूसरा। जी उमर, उमर, उमर नाइन। यस सर, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, पढ़ो। डिजाइन द सर्किट इन फिगर 4। डिजाइन द सर्किट, अभी मैंने बताया था डिजाइन का मतलब क्या होता है। क्या होता है डिजाइन का मतलब? पैसिव कंपोनेंट फाइंड करना होता है। हाँ, तो यहाँ पर कितने हैं पैसे? सर दो ही हैं सर। हाँ, कौन कौन से? इसमें है आरडी और ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर। हमारा दिमाग खराब हो गया। एक ही है सर रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर कब से पैसिव हो गया? एक ही आरडी है सर। आरडी का है, आर है, आर है सर। हाँ पढ़ो आगे, आर मालूम करना। टू ऑब्टेन अ करंट आईडी ऑफ 80 माइक्रो एम्पीयर फाइंड द वैल्यू रिक्वायर्ड
find the value required for R and find the DC voltage. Let the NMOS transistor have VT equals to 0.6 volt equals U B C B. ये क्या लिखा है? पढ़ो उसको. U N C O X. Mu है यार, क्या हो गया? Mu नजर नहीं आ रहा. Mu N C O X equals to 200 C naught X equals to 200 microampere per square volt. Per square volt. L equals to 0.8 micro ampere micro m and W equals micro to 4 micro micrometer and and W equals to 4 micrometer. Neglect the channel length modulation effect. I.e. assume lambda equals to 0. अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इसमें सबसे पहले कुछ भी नहीं करें, आप एक काम करें, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन मालूम करें. मोड ऑफ ऑपरेशन जल्दी से. मोड ऑफ ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि VGD निकालना पड़ेगा ना आपको. VGD इसमें पता है VGD क्या होगा? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? आप सब बताएं, एग्री और नॉट, जल्दी से बताओ. यस सर, एग्री भाई, सब बताएं. ये है ना गेट और ये है ड्रेन, एक ही है ना, कनेक्ट हुआ है. Yes. तो VGD कितना होगा? VGD कितना होगा जल्दी से बताओ, जब अगर दोनों बराबर हो तो VGD कितना होगा? जी सलाम कादिर, सर वो बीजी के एक नहीं होगा. गुलाम कादिर नहीं है? गुलाम कादिर मुझे नाम नजर आ रहा है, फिर मैं एब्सेंट कर दूंगा. गुलाम कादिर मुझे इस तरह की क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है आपका, या आपका सिर्फ नाम आ रहा हो और आप उठ के चले जाओ. जी उमर क्या कह रहे थे आप? क्या होगा मैं कह VGD का इक्वल ही होगा. क्या लिखो? VGD माइनस VD, वही बात, वही VGD. जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? VGD VGD माइनस VD होगा ये. तो क्या लिखूं? क्या VGD माइनस VD तो सही होगा, लेकिन फिर आंसर क्या आएगा उसका? सर उसके पहले VD तो फाइंड करना पड़ेगा. अच्छा वो तो वही है. अच्छा VD वो VGD के इक्वल ही होगा. आंसर क्या आएगा? सर निकालना पड़ेगा. अबे गधे हो तुम, जीरो आएगा. सर जीरो नहीं आएगा, दोनों बराबर. अच्छा उमर तुम गधे हो एक नंबर के. जब तुम कह रहे हो VGD माइनस VD है तो दोनों बराबर, तो आंसर जीरो नहीं होगा क्या? हैं? हाँ सर जीरो होगा. ये सेम पोटेंशियल है और ये है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. जब है ही सेम तो डिफरेंस होगा ही नहीं, जीरो. ये मुझे बताएं कि ये VT कितना है आपका? कौन बड़ा है? VT बड़ा है कि VT कौन बड़ा है दोनों में से? VT बड़ा है. तो क्या फिर मैं ये लिख सकता हूँ? सैचुरेशन में है. ये कंडीशन सही है? यस सर. तो ये कंडीशन किसकी होती है? सैचुरेशन की. तो आपको पता चल गया सैचुरेशन की, सैचुरेशन में, ठीक है. तो सैचुरेशन ही करंट की इक्वेशन में लगा रहा हूँ. ट्रायोड की करंट की क्वेश्चन कुछ और होती है, वो हमने कल देखी थी. तो हाफ, अच्छा हाफ के बाद आता है, अब गौर से सुन ले, म्यू एन सी नॉट एक्स आता है. तो म्यू एन सी नॉट एक्स लिख लो या के प्राइम एन लिख लो, मैंने आपको बताया था ना एक ही बात है. तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ कीबोर्ड पे म्यू एन लिखा नहीं जाएगा ना, के प्राइम एन लिखा जा रहा है. ठीक है, ठीक है. इसके अंदर आएगा VGS माइनस GS माइनस VT का होल स्क्वायर. अच्छा अब है इक्वेशन में, खैर अब आप गौर से देखें इस इक्वेशन में. आपको ID मालूम है? ये रहा ना, मालूम है ना ID? सर 80
K prime N है, ये रहा मालूम है, W by L है, yes sir, VT है, VT भी है, तो VGS इसमें से वैसे निकालो, यानी कि जैसे अभी सवाल किया था वही तो चीज है ये, जल्दी से इसमें से VGS निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा, जल्दी करो, कितना आ रहा है इक्वल किस तरफ, चेक करें सही है, जी बताएं ये सही आ रहा है, सर बना रहा है, हाँ ये पहला आंसर आ गया, चेक करें सही है, यस सर नहीं चेक करो, चेक कर बना रहा है, वो वीजीएस बना रहा है, वीजीएस बना रहा है, उसके बाद वीडी बना रहा है, ये देखो बाकी ओम्स लगा लेंगे हम, कहाँ से आ रहा है आप कहेंगे थ्री से आ रहा है, कहाँ जा रहा है आप कहेंगे वीडी को जा रहा है, यार कैसा फद्दू कह रहे हो, जी आंसर चेक करें।